हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मैं करेले और प्याज की बेहद टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ। इसके लिए मैंने 5 करेले लिए हैं। आप करेले की क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ करेलों को धुलकर और सूती कपड़े में अच्छे से पोंछ लिया है। अब इसके मैं टुकड़े पतले पतले टुकड़ों में उनको कट कर लूँगी। इसके बाद इसके बीज में निकाल दूँगी। ये ऑप्शनल है, आप इसके बीज रख भी सकते हैं, पर मैं निकाल दूँगी। ये देखिए, इसके बीज इजीली निकल जाते हैं, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए, ये देखिए, मैंने सारे करेले को अपने पतले पतले साइज में कट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए, इसके बाद 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा आप अपने। इसके बाद 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच रेड कश्मीरी लाल मिर्च, इसके बाद 1/2 से 2 छोटी चम्मच चाट मसाला। इसके बाद मैंने यहाँ 1.5 बड़े चम्मच बेसन ऐड किया है। इनको हम अच्छे से करेले में, इनको मसाले को अपने करेले में अच्छे से कोटिंग कर देंगे। इसके बाद यहाँ मैंने 1 चम्मच पानी लिया है। आप पानी अपने अकॉर्डिंग, करेलों के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच, बस ज़्यादा मत करिएगा। इतना रखिएगा कि हमारे मसाले अच्छे से करेले में लिपट जाए। देखिए, अब मैंने यहाँ एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए ऑलरेडी रख लिया था। इसके बाद मैं अपने करेलों को इसमें डालूँगी। मैं पूरे करेले नहीं डालूँगी क्योंकि फिर अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। ये डालने के बाद हमको 4 से 5 सेकंड तक इनको बिल्कुल टच नहीं करना है। ये देखिए, और इसके बाद फिर इसको इनको अलगते पलटते इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। इनको फ्राई करने में ज़्यादा समय लगता है, मैक्सिमम 1 मिनट 2 मिनट इतना ही समय लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए, मेरे करेले फ्राई हो गए हैं, मैं इनको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये देखिए, ये देखिए, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप मेरे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करें। इसके बाद मैंने दूसरे जो मेरे करेले थे उनको भी मैं डाल के ऐसे फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, ये भी हो फ्राई हो चुके हैं, इनको भी मैं उसी प्लेट पर निकाल लूँगी। ये देखिए, अब इसके बाद हम थोड़ा सा ऑयल कम कर देंगे क्योंकि मुझको ज़्यादा लग रहा था। इसके बाद 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच सौंफ, सॉरी जीरा में, जीरा पाउडर में जीरा, 1/2 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच सरसों, 7 से 8 काली लिप्स के। इसके बाद मैंने 4-5 कलियाँ लहसुन की लेके उनको बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। फिर सारी चीज़ों को हम 2 से 3 सेकेंड तक अच्छे से भून लेंगे। फिर इसके बाद मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको मैंने ऐसे टुकड़ों में कट कर लिया है। उनको भी हम अच्छे से फ्राई होने देंगे, बट इनको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इतना फ्राई करना है कि ये अपना कलर चेंज करते और जो प्याज का कच्चापन है वो दूर हो जाए। इसके बाद 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के अनुसार, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच गरम मसाला। हमको इसमें इतना मसाला ऐड करना है कि जितने में प्याज में टेस्ट आ जाए, क्योंकि हमारे करेलों में ऑलरेडी मसाला ऐड है, इसलिए इसमें ज़्यादा मसाला मत ऐड करिएगा, सिर्फ प्याज के अकॉर्डिंग ही मसाले ऐड होंगे। देखिए, इसके बाद मैंने सारे मसाले को भूज कर जो मेरे करेले थे उनको भी मैंने इसमें डाल के अच्छे से इनको सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से भून लिया है। ये देखिए, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसके बाद 2 से 3 सेकंड तक हम इसको 2 से 3 मिनट तक इसको पकाएंगे अच्छे से। ये देखिए, हमारे करेले पककर रेडी हो गए हैं, क्योंकि आधे करेले हमारे फ्राई करने में ऑलरेडी पक गए थे। ये देखिए, अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। आप इसमें ग्रीन चिली या रेड चिली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट मेरे फादर इन लोग बिल्कुल नहीं खाते, इसलिए मैंने नहीं डाला है, पर आप डाल सकते हैं। ये देखिए,
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।